सुप्रभात दोस्तों, श्रावण मास की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और पूरा महीना बाबा भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। और आज लगाएंगे उनका बहुत ही परम प्रिय एक वृक्ष है। हाँ, वृक्ष ही कहेंगे क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सामने देख पा रहे हैं। ये है बेल का पौधा जिसको मैंने बीज के ज़रिए उगाया था और मुझे नहीं मिल पा रहा था इधर उधर इसका पौधा, तो मैंने सोचा चलो बीज के थ्रू ही उगा लेते हैं। और पहले से ही सोच के रखा था कि इस बार सावन के महीने में मैं बेल का पौधा ज़रूर लगाऊंगी। और बहुत पवित्र माना जाता है, हमारे पुराणों में कहा गया है कि आगे बेल पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। यानी कि आपके जो मुख्य द्वार पर बेल का वृक्ष होना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। पर हमारे यहाँ तो हम लोगों के पास मुख्य द्वार पर तो कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ हम बेल का पेड़ लगा सकें, तो गमले में तो लगा ही सकते हैं। इसलिए मैंने बीज के थ्रू इसको उगाया था और आज इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से उगाए थे, बीज डाले थे और इसके छोटे छोटे से कई पौधे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको आज अलग गमले में लगाएंगे। किस तरह से मिट्टी डालनी है, किस तरह जगह पर आपको रखना है, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी, ये सब बात करेंगे। और अपने साथ ही साथ अपना जो बेल का पौधा है उसको हम गमले में ट्रांसफ़र भी करते जाएंगे। तो चलिए फिर लगाना शुरू करते हैं। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कुछ एडेनियम के बीज भी मैंने डाले थे जो यहाँ पे साथ साथ जर्मिनेट हो गए हैं। तो इसके लिए पौधा बहुत छोटा है, अभी मुश्किल से 5-6 इंच ही होगा और 15 दिन का है। तो इसी हिसाब से गमला भी लेंगे, इस हिसाब से मिट्टी बनाएंगे। तो मिट्टी में 40% है मिट्टी, 40% बालू मिली हुई है, 20% इसमें खाद है जो हमारी गोबर खाद होती है, वो ज़्यादा नहीं मिलाया है क्योंकि पौधे को देखकर ही खाद मिलाई जाती है। ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा पौधा जो है जल जाएगा। साथ में थोड़ी सी नीम खली और फंगीसाइड, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप प्लांट लगाने जा रहे हो, ताकि हमारा प्लांट सुरक्षित रहे और उसमें किसी तरह का फंगस वगैरह ना लग पाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस गमले में पहले मैंने नीचे जो है कपड़ा बिछा दिया है ताकि मिट्टी ड्रेनेज होल से निकलकर बाहर ना जाए, और फिर इसको अच्छे से भरेंगे। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब गमला आप भर रहे हैं तो मिट्टी को दबा दबा के भरिए ताकि एयर पॉकेट ना रह जाए, क्योंकि इनकी वजह से भी हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। अगर बीच में हवा रह गई तो वो हमारे प्लांट में फंगस लगा देगी। तो अच्छे से दबाइए, एयर पॉकेट ना बन पाए। तो देखिए, मैंने बहुत सावधानी से अपने बेल के पौधे को निकाल कर इस गमले में रख दिया है और अब चारों तरफ से अच्छे से दाब कर मैं मिट्टी भर दूँगी। ये देखिए, लग के तैयार हो गया। अब करेंगे वाटरिंग। तो कितना पानी हमें डालना होता है प्लांट लगाते समय, तो जिस समय आप प्लांट लगाएं उस समय फुल वाटरिंग करें। और इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर इसको बहुत हल्की धूप मिले, डायरेक्ट धूप में आपको इसको नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सावन मास की हार्दिक बधाई।